हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टीवी सीरियल एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी एज, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस, अवार्ड, नेटवर्थ और साथ ही बात करेंगे उनके टीवी सीरियल करियर के बारे में। यदि आप तुनिसा शर्मा के फैन है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है तुनिसा शर्मा, साथ ही उनका निक नेम है तुनु और तिसा। तुनिसा प्रोफेशन से एक्ट्रेस और एक मॉडल थी। तुनिसा का जन्म 4 जनवरी 2002 को हुआ था और अभी 2022 में वह 20 साल की हो चुकी थी। तुनिसा का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन भी चंडीगढ़ में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ से कम्प्लीट की थी, साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया था। आपको बता दें, तुनिसा ग्रेजुएशन कर रही थी। बात कर लेते हैं उनके हॉबीज के बारे में। तो उनको डांस करना, साथ ही घूमना बहुत पसंद था। बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, तुनिसा ने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की थी। तुनिसा को सबसे पहले 2015 में टीवी सीरियल महाराणा प्रताप में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद भी किया गया, जिसकी वजह से तुनिसा को इसी साल एक और टीवी सीरियल अशोक सम्राट में काम करने का मौका मिला। 2016 में अगेन तुनिसा को टीवी सीरियल गब्बर पूछवाला में काम करने का मौका मिला, साथ ही 2017 में शेरे पंजाब टीवी सीरियल में भी देखा गया। लेकिन तुनिसा को अभी भी अपने लाइफ में वह सफलता नहीं मिली थी जो वो अपने लाइफ में पाना चाहती थी। 2018 में तुनिसा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब तुनिसा को फेमस टीवी सीरियल इंटरनेट वाला लव में काम करने का मौका मिला, जिसमें तुनिसा की एक्टिंग को काफ़ी पसंद भी किया गया, साथ ही तुनिसा की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती चली गई और तुनिसा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तुनिसा को कई हिट टीवी सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। तुनिसा ने टीवी सीरियल के अलावा म्यूजिक एल्बम और बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, जिसमें दबंग 3 में तुनिसा को लीड रोल में भी देखा गया था। तुनिसा ने अलीबाबा दास्ताएं एक काबुल की शूटिंग के दौरान ही 24 दिसंबर 2022 को सेट पर ही सुसाइड कर लिया है। तुनिसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। आपको तुनिसा शर्मा कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, तुनिसा ने अपने फादर का नाम शेयर नहीं किया हुआ है। उनके फादर की डेथ हो चुकी है, साथ ही उनके मदर का नाम वनीता शर्मा है। बात कर लेते हैं उनके बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, तुनिसा अनमैरिड है। रूमर्स की माने तो सीजन मोहम्मद खान को उनका बॉयफ्रेंड बताया जाता है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, तुनिसा किसी भी टीवी सीरियल के पर एपिसोड में काम करने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करती थी, साथ ही किसी भी मूवी में काम करने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करती थी, किसी भी म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए 3 से 4 लाख रुपये चार्ज करती थी, साथ ही किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये चार्ज करती थी और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 5 से 6 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे टोयोटा फॉर्चुनर, जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए। सेकंड नंबर पे हुंडई वर्ना, जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। साथ ही बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, तुनिसा करंटली अपने फैमिली के साथ में मुंबई में रहती थी। इसी के साथ ही उनका एक और घर चंडीगढ़ में भी है। आप उनके घर के कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप तुनिसा शर्मा के फैन हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप और भी एक्ट्रेस की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ में और बेस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।